पत्नी से झगड़ा करने वाली साली को सबक सिखाने के लिए जीजा ने उसकी फोटो का उपयोग कर साली की फेसबुक पर फर्जी आईडी बना ली। आईडी में साली के पति का मोबाइल नंबर भी अपलोड कर दिया। फिर उस आईडी से कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। इससे महिला काफी परेशान हो गई। महिला की शिकायत पर राज्य साइबर सेल ने मामले में जांच की तो फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर परेशान करने वाला जीजा ही आरोपी निकला। राज्य साइबर सेल के उज्जैन जोन प्रभारी दीपिका शिंदे ने बताया कि धार में तलाई धार में रहने वाले 32 साल के दिनेश लोहार को गिरफ्तार किया है। दिनेश घर पर ही लोहारी का काम करता है और उज्जैन निवासी साली से उसकी पत्नी की अनबन चल रही थी। दोनों में तालमेल नहीं बैठने से कई बार झगड़ा हो चुका था। इसे लेकर दिनेश ने साली को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। उसने कबूला कि बरनगर बस स्टैंड पर कुछ महीने पहले साली मिली थी, तब मोबाइल से उसका फोटो ले लिया था और उस फोटो से ही उसकी फर्जी आईडी बनाई थी ताकि साली और उसका पति दोनों परेशान हों। दिनेश ने जिस सिम से फेसबुक आईडी बनाई थी उसे भी तोड़कर फेंक दिया, इसलिए उसके खिलाफ आईटी एक्ट के अलावा अन्य साक्ष्य छिपाने की धारा 201 में भी केस दर्ज किया गया है। एक महिला ने कंप्लेंट की थी कि फेसबुक पर किसी ने उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है और उसके फोटोज यूज किए हैं, जिस पर कल कार्रवाई की गई थी और उन्हीं के जीजा द्वारा ये फेसबुक आईडी बनाई गई थी, क्योंकि उनका उनकी बहन से विवाद हुआ था तो उस बात का बदला लेने के लिए उनके पति द्वारा यह फेसबुक आईडी बना के उन्हें परेशान किया जा रहा था।